ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। आ गीतना शब्दों साचा ठेरवतु आ दंपत्ति सूरतना शेल्टर होम में रहे छे। जीवन में एक बाद एक समस्या आवी, छता पण क्यारे हार न मानी। आ दंपत्तिना दुखनी कहानी शुरू क्यांथी करवी ए समझवू मुश्किल छे। आ दंपत्तिना जीवन में दुख त्यारे शुरू थयो ज्यारे तेओए एक दुर्घटना में पोताना माता पितानी साथे 18 वर्षनो जुवान जो दीकरो गुमाव्यो। आवी एक नहीं पण अनेक मुश्किलियों सामे जीवन टकावीने उभू छे आ शर्मा दंपत्ति। तो आ वीडियो में एवी ज कंईक दास्ता छुपायेली छे जे खरेखर एक दर्दनाक कहानी थी ओछी न कही शकाय। आजथी 40 वर्ष पहला गुजरात छोड़ीने आसाम राज्यना सिलचर में स्थायी थवा माटे पति अने पत्नी निकळ्या हता। त्यां पोताना सपनानू एक घर पण बनाव्यू हतू अने घरनी बहार तेओ चानी दुकान चलावता हता। बधुं सारी रीते चाली रह्युं हतुं, घरमां पुत्रनो जन्म पण थयो, परंतु तेमनी खुशीने जाणे कि कोईनी नजर लागी गई तेवी घटना घटी। तेमनो 18 वर्षनो पुत्र ज्यारे घरनी बहार पोताना दादा दादी साथे निकळ्यो त्यारे अकस्मात नड्यो अने त्रणेयना मौत थया। एक घर में एक साथ त्रण व्यक्तिना मौतना समाचार सांभळी शर्मा दंपत्ति पर जाने आब फाटी पड्यो अने तेओ त्यां एकला थई गया। वात आटलेथी न अटकी, जाने के मुसीबतनी मंजिल आ दंपत्ति ज होय तेम ते 25 वर्ष पहला आसामना उग्रवादीओए बन्ने पति पत्नी ने हैरान करवानी शुरुआत करी। एक वक्त रात्रिना 3 वाग्याना अरसामां उग्रवादीओए तेमना घर पर हुमलो पण कर्यो अने तेओ पोतानो जीव बचाववा घरना पाछळना भागथी भागवा लाग्या। आ दरमियान उग्रवादीओनी गोळी तेमना पतिना पगमां वागी, जेनी सारवार बाद तेओए गुजरात परत फरवानुं नक्की कर्युं। दंपतीए हिम्मत दाखवी अने आसामथी सूरत सुधी रेलवे ट्रेक पर चालीने हेमखेम रीते पहोंच्या। आजे सूरत आव्याने 25 वर्ष थई गया छे। लक्ष्मी शर्माना पति गुजरान चलाववा माटे वॉचमेननी नौकरी करता हता, परंतु अचानक लकवा थई जता तेमनी तबियत लथड़ी। एटलू ज नहीं, तबियत सारी थया बाद तेमनो अकस्मात थयो। हालमां तेओ नथी बोली शकता के नथी काम करी शकता। महिला अलग अलग घरमां घरकाम करी गुजरान चलावता हता, परंतु हालमां तेओनी तबियत सारी न रहती होवाथी तेओ शेल्टर होममां पोतानी जिंदगी शांतिथी वितावी रह्या छे।